हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आपके इस चैनल में टिकटॉक एक्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, वो वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो मैंने ये वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक पे, बहुत सारे जाने पूछ रहे थे तो कैसे बनाई है, तो मैं इसलिए वीडियो को बनाना सिखाऊंगा आपको। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैंने बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली। तो दोस्तों, मैं आगे से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा। पर उम्मीद करता हूँ जैसे ही सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएंगे तो मैं रेगुलर वीडियो डाला करूँगा और आपको सारी एक्टिंग सिखा दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो जाने से पहले मैं आपको कह देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा, इस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इसके साथ एक काम और ज़रूर कर देना दोस्तों, वीडियो के और बढ़ने से पहले कहूँगा कि यह वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और उन्हें भी कह देना 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी टीम बन सके और हम एक्टिंग ज़्यादा वीडियो सिखा सकें। तो चलते हैं काइन मास्टर की ओपन कर लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी वीडियो शूट करनी है। पहले आपको इस साइड की ओर जाना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले आपको इस साइड से इस साइड की ओर जाना है और वहाँ से इस साइड की ओर आना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी वीडियो बनानी है दोस्तों। वीडियो बनाते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपका ट्राईपोड हिले नहीं, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं आपका फ़ोन हिले नहीं, इसलिए ट्राईपोड का सहारा लें या कहीं पर फ़ोन को रख दीजिए। और आपको ध्यान रखना है एक ही लाइन में चलना है इधर उधर। और तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और आपको बिल्कुल सीधे चलना है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो काइन मास्टर हम ओपन कर लेते हैं और बताता हूँ, बहुत ही इजी एडिटिंग है, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए स्किप किए बिना। तो हमारा काइन मास्टर ओपन हो गया है, तो आपको सिंपली बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो इस रेशियो पर बनी हुई है, तो अगर आपकी दूसरी रेशियो पर बनी हुई है तो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ऊपर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, हमने वीडियो को ऐड कर लिया। आप थोड़ा वीडियो को ना ध्यान से देखना है आपको, नहीं तो आप सब मिस्टेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, तो वीडियो को ओपन करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से वहाँ की ओर जाऊँगा तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं वापस आने वाला हूँ तो आपको वीडियो को स्टॉप कर देना। आप देख सकते हैं मैं वापस आने वाला हूँ तो मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा बैक की ओर करना है, आप देख सकते हैं अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो पर आइकन पर क्लिक करना है, इसी वीडियो पर। और यहाँ पर जाने के बाद सीज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, सीज़र के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंपली टैट हेड। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ जहाँ से कट करना है वहीं से ही करिएगा। अब आपको करना क्या, थोड़ा सा वीडियो को और आगे करना है, यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक करके आगे कर देना। तो मैं आगे करता हूँ। अब आप जैसे ही यहाँ की ओर मुड़ेंगे, वहाँ से आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्प्लिट टू हेड कर देना। तो हम आपको यहीं से ही कहेंगे। अब जैसे ही पैर घुमाएं, तो आप देख सकते हैं मैं अभी पैर घुमाने ही वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्प्लिट टू हेड कर देना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वापस पहले वाले ऑप्शन वीडियो पर क्लिक करना है, ये इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो आपकी ये वाली पहले वाली वीडियो है, आप देख सकते हैं ये वाली, इस पर क्लिक करने के बाद इसको कर देना है आपको डिलीट। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, तो हमने अब डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यह वाली वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सीज़र के साथ वाले। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेकंड वाला, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ से टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वीडियो को प्ले करना है एक बार। वीडियो को प्ले करने के बाद ये जब तक ये वीडियो यहाँ से ख़त्म होएगी, यहाँ तक ये देखिए यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ख़त्म हो गया 3.4 के बाद, यहाँ पे दोबारा से वीडियो पर क्लिक करना है यहाँ से। और आपको यहाँ वाले सीज़र के ऑप्शन पर जाने के बाद ये बीच थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट एंड हेड कर देना है, और इसके बाद यहाँ वाली वीडियो को भी डिलीट कर देना है। तो हम कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमारी वीडियो अब तैयार हो गई। अब एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ से आ रहा हूँ, और आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार हो सकती है। आप थोड़ा सा चाहें इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा पहले मुड़ गया, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा।
थोड़ा सा बड़ा कर लेना दोस्तों अपने हिसाब से, नहीं तो वीडियो बहुत परफेक्ट बनी है। देखा दोस्तों कैसे हमने 2 मिनट में वीडियो बना दी। आपको टिकटॉक अपलोड स्लो मोशन में भी कर सकते हो, मैंने स्लो मोशन में अपलोड करी थी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट बनी थी और गाना लगा दिया था दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही जल्द एक ऐसी और अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।